नमस्कार दोस्तों, आप सबका ईडीसी लेक्चर सीरीज में बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो एक बार दोस्तों ब्रीफली आपको आइडिया बता देता हूँ, एनर्जी बैंड्स और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में क्या डिफरेंस है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ये स्टडी किया था कि हम अगर एक एटम का डिस्कशन करेंगे तो किसी एक एटम्स के अलग अलग ऑर्बिटल एनर्जी को हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी मैं किसी सॉलिड्स का डिस्कशन करूंगा तो इसका मतलब उस सॉलिड्स में ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और इसका मतलब ये होगा कि अब हर एटम का अपना एक अलग ऑर्बिट होता है, और अब उन सभी एटम्स के एक कॉमन ऑर्बिट्स की एनर्जी डिस्क्रीट ना होके बैंड्स में रिप्रेजेंट की जाएगी। यानी अब वो जो मान लीजिए हर एटम्स के फर्स्ट ऑर्बिट्स की मैं अगर बात करूं तो मिलियंस एंड बिलियंस नंबर ऑफ एटम्स हैं, और सभी का उनका जो फर्स्ट ऑर्बिट्स है उन सभी फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होगी बिकॉज ऑफ देयर कंजक्शंस। इस वजह से उन सभी फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो दोस्तों रेंज ऑफ एनर्जी में रिप्रेजेंट की जाएगी, और वो जो रेंज ऑफ एनर्जी है उनको दोस्तों हम अपना बैंड्स कहते हैं। तो ये एनर्जी बैंड्स स्टडी करेंगे किसी भी सॉलिड्स में। तो ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं दोस्तों, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी बैंड्स हैं जो इंक्रीज होती जा रही है। और ये दोस्तों एनर्जी बैंड्स में आपके नॉर्मली दो तरह के बैंड्स मिलेंगे, एक होता है आपका वैलेंस बैंड और एक होता है आपका कंडक्शन बैंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वैलेंस बैंड क्या होता है। दोस्तों, हम अगर सिलिकॉन का ही एग्जांपल रखें तो सिलिकॉन सॉलिड्स की मैं डिस्कशन करूंगा तो उसमें वैलेंस बैंड का ये मतलब है कि हर सिलिकॉन एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी। आपको पता है कि अगर एक एटम में डिस्कस करूंगा तो उस एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी एक डिस्क्रीट लेवल से डिफाइन की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर वही एटम मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स एक साथ जुड़ें और वो जुड़ के सॉलिड्स बनाए तो उन्हीं सभी एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी आपकी एक बैंड्स में रिप्रेजेंट की जाएगी, यानी एक रेंज ऑफ एनर्जी में रिप्रेजेंट की जाएगी। और वो सभी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका वैलेंस बैंड्स में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, राइट। अब जो दूसरा है दोस्तों, उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कोई इंटरनल या एक्सटर्नल एनर्जी दें, एक्साइटेशन एनर्जी दें, तो चांसेस हैं दोस्तों कि वो सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके उस एटम्स से बाहर निकल सकें, और बाहर निकल के वो सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों आपके कंडक्शन बैंड में जाके लाई करते हैं। इसका मतलब, कंडक्शन बैंड का मतलब ये है कि जितना कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने कंडक्शन बैंड में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका मतलब उस सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। दोस्तों, थर्ड जो टर्म है वो है हमारी फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एनर्जी एंड वैलेंस बैंड एनर्जी। ये होता है दोस्तों आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी ये एक आइसोलेशन मीडियम है दोस्तों। वैलेंस बैंड्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनको आप एक्सटर्नली कोई एनर्जी दें तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे जहां वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। लेकिन यहां देखने वाली बात है दोस्तों कि फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब ये है कि उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड्स में जाने के लिए आपको कम से कम फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा। अगर आपने एक्सटर्नल एनर्जी उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना नहीं दिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके सिलिकॉन एटम्स के साथ ही बाउंड रहेंगे। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप में दोस्तों इन बिटवीन कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों,
फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, या तो इलेक्ट्रॉन्स आपका वैलेंस बैंड में रहेगा या इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में रहेगा। अब दोस्तों एक और प्रॉपर्टी है कि जो आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप एक एक्सटर्नल एक्साइटेशंस को बढ़ा रहे हैं। उस एक्सटर्नल एक्साइटेशंस की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जितनी पहले एनर्जी थी इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और ज्यादा एनर्जी हो चुकी है, और वो आपके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पाथ था किसी भी एटम का, वहां से इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे, यानी वहां से जंप करके अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे जो किसी भी सॉलिड्स में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका दोस्तों फॉरबिडन गैप एनर्जी कम होता जाएगा। अगर फॉरबिडन गैप एनर्जी कम होगा तो चांसेस होंगे आपके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके अब कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो अगर किसी भी एक सॉलिड्स का फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत कम है तो इसका मतलब दोस्तों उस सॉलिड मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेशंस की रिक्वायरमेंट होगी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में लाई कर सकें। अब दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब दोस्तों हम जो सॉलिड्स हैं एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। तो जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है दोस्तों इंसुलेटर्स। जब भी कोई इंसुलेटर सॉलिड्स होता है तो उसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनता है। ये आपका वैलेंस बैंड है दोस्तों, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। इसके बीच में दोस्तों ये आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप है। अगर इंसुलेटर है दोस्तों तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट ये दोस्तों आपका 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अब मतलब क्या है आप इस बात को समझें। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वैलेंस बैंड में ऑलरेडी क्या है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटली फिल्ड हैं, राइट। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाना चाहते हो, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, तो आपको उन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स को एटलीस्ट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसी वजह से नॉर्मली जो इंसुलेटर होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाई वैल्यू ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसी वजह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंसुलेटर हैं वो वहां पे करंट फ्लो नहीं करता, और इस एनर्जी बैंड डायग्राम्स में जो वैलेंस बैंड है दोस्तों ये कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, और जो कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। आपको पहले भी बताया कि कंडक्शन बैंड में अगर हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों तो इसका मतलब वो सॉलिड आपका एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है, लेकिन अगर कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी रहता है तो इसका मतलब वो आपका कंडक्टर नहीं है, वो एक तरह से इंसुलेटर बन जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं NTC ऑफ R, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ R। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस इंसुलेटर में टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपको, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यहाँ आपको एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप कम हो जाता है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये गैप आपका कम होगा, फर्दर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये एनर्जी गैप आपका और कम होगा। तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से चांसेस होंगे कि जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो कंडक्शन बैंड्स में जंप कर सकें, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ने के चांसेज होंगे। अगर दोस्तों किसी भी सॉलिड्स की कंडक्टिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि उस सॉलिड्स का जो रेजिस्टेंस है वो कम हुआ है, इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि जो इंसुलेटर है वो आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा।
अब एग्जांपल्स के लिए दोस्तों, हम इंसुलेटर्स में वुड होता है दोस्तों, आपका ग्लास होता है, आपका प्लास्टिक होता है, ये सब आपके इंसुलेटर होते हैं। अब दूसरा डिस्कस करते हैं दोस्तों, कंडक्टर। कंडक्टर्स में जो आपका वैलेंस बैंड है और जो आपका कंडक्शन बैंड है दोस्तों, वो आपस में ओवरलैप करता है। यानी कंडक्टर्स के केस में आपकी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, अगर ये दोनों बैंड्स ओवरलैप कर जाएं तो नेचुरली जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो आपका जीरो होगा। अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका जीरो है तो इसका मतलब ये है कि इसको जो एक्सटर्नल एक्साइटेशंस है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड्स में प्रेजेंट रहेंगे और इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इस केस में दोस्तों, जो आपका वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो आपस में ओवरलैप कर जाता है, यानी कंडक्टर्स का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो जीरो होता है। अब दोस्तों यहां बात करते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहां पे फॉरबिडन एनर्जी गैप तो है नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से दोस्तों, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड्स में, उन इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन बढ़ जाएगा। अगर उनका कोलिजन ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब दोस्तों, वो आपस में रेजिस्ट करेंगे, उनकी मोबिलिटी कम होगी। मोबिलिटी यहाँ आप नॉर्मली स्पीड समझ सकते हो, बाकी जब कंसर्न टॉपिक आएगा तो उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो इनकी मोबिलिटी कम होगी, इसकी वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेजिस्टेंस फेस करेंगे। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका कंडक्टर है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। इसके जो एग्जांपल हैं दोस्तों, वो आपके कॉपर और एल्यूमिनियम है। अब जो थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन है वो होती है दोस्तों सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो आपके वैलेंस बैंड हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और जो कंडक्शन बैंड है वो आपके एम्प्टी होते हैं। ठीक ऐसा ही दोस्तों हमने इंसुलेटर्स में बताया था। अब आप सोचोगे कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में फिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है दोस्तों कि इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। यहाँ पे दोस्तों आपका 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास रहता था, यानी इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों सेमीकंडक्टर्स का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कंपेरेटिवली कम है। तो जो फॉरबिडन गैप एनर्जी है वो आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी है। और ये दोस्तों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस केस में जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो फॉरबिडन गैप एनर्जी है वो रिड्यूस होगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि अब आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटर्नल एक्साइटेशंस की हेल्प से वैलेंस बैंड से जंप होके कंडक्शन बैंड में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। और जैसे ही हमारे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन बनेंगे? वो बनेंगे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टिविटी में सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से कंडक्शन होता है। तो दोस्तों जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे उतनी कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये हम आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल हैं दोस्तों आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।